बिसम अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही यमी और मज़ेदार सा यह पास्ता तैयार होगा देसी स्टाइल से इसको मैं तैयार करूँगी तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा तो बिसमिरा रहीम से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए जिसमें थाई और ब्रेस्ट पीस दोनों अच्छे तरीके से इसको धो के इस तरह से छोटे छोटे से मैंने पीस कर लिए हैं तो इसके लिए मैंने डेढ़ कप ये पास्ता लिया हुआ था जिसको नमक और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के उबाल लिया हुआ है तो जब ठंडा हो गया तो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैं डब्बे में रख दिया था कूटा हुआ लहसन देखा आपने डेढ़ खाने का चम्मच चिकन पाउडर एक खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच और कोटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच थोड़ी सी हल्दी और नमक चार बड़े साइज़ के टमाटर अगर छोटे हैं तो छे लीजिएगा दो से तीन आप हरी मिर्च तो इस तरह से टमाटर का छिलका उतार के उसको मैंने काट लिया है और साथ ही जो दो हरी मिर्च आपको दिखाई थी वो भी में मैंने साथ में कट कर ली थी तो साथ ही टमाटरों के साथ उनको भी मैं पीस लूँगी तो इसको मैं हैंड ब्लेंडर में पीस रही हूँ अगर आपके पास चोपर या ब्लेंडर जगह जिसमें भी आप इसको पीसें तो अच्छे से आपके इसका दाना बाकी ना रहे तो क्या स्मूथ सा हमारी ना ग्रेवी भी जाके तो अच्छा सा स्मूथ सा हमारा पेस्ट बने तो ये देखें अच्छे से वो पीस चुका है इधर मैंने हसबे ज़रूर तो ऑयल डाला जो कुटा हुआ लहसन आपको दिखाया था वो मैंने बीच में डाल दी है अब पास्ता है तो बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है तो जैसा लहसुन गोल्डन हुआ तो मैंने मुर्गी डाल दी अब आपने देखा होगा कि जो कि चिकन के छोटे छोटे से मैंने पीस किए हुए थे साथ ही मैंने हड्डी वाली थोड़ी सी चिकन रखी तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पास्ते में जो गर्दन हो थोड़े गर्दन के पास वाला पसली वाला जो होता है ना हिस्सा वो थोड़ा सा छोटे छोटे पीस करके वो थोड़े से मैंने चार से छः डाल दिए थे ताकि अच्छे सा हड्डी से उसके फ्लेवर निकलता है तो अच्छे से हमारे पास्ते में फ्लेवर आए तो जैसे चिकन हमारी देखें कलर चेंज हुआ लहसन में डाल के इसको मैंने डाल दिया था साथ ही मैंने डाली थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च एक चौथाई चाय का चम्मच तो फिर चिकन हमारी जो कलर चेंज हुआ था आपके सामने तो मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया साथ में जो आपको पाउडर मसाले दिखाया था नमक मिर्च कुटी लाल मिर्च वो मैंने डाल दिए तो ढक्कन लगा के इसको मैंने पकने के लिए हल्की आंच पे रखा हुआ है अब जब तक पानी किसका खुश्क नहीं हो जाता अब देखें टमाटर का पानी कुछ हद तक खुश्क हो चुका है एक खाने का चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर डाल दी है जब टमाटर का उस पानी अच्छे से खुश्क हो जाए थोड़ा तेल ऊपर आना आने लग जाए तो फिर आप इसमें चिकन पाउडर डाल चिकन पाउडर डाला फिर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था अब देखें कुछ हद हाँ तक खुश्क हो चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा चिकन हमारी ड्राई नहीं है सोसी है तो फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा हरा धनिया फ्लेवर के लिए तो साथ ही मैंने डाल दिया पास्ता अभी इसका चूल्हा मैंने बंद रखा हुआ है पहले इसको मैंने दरमिया ही आँच पर पकाया था तो अभी मैंने इसमें पास्ता मिक्स कर रही हूँ तो चूल्हा इसका बंद है तो फिर अच्छे से पास्ता इसके में मिक्स करके इसको मैं बिल्कुल दम पे इसको रख रख दूँगी दो से तीन मिनट या फिर अच्छे से इसमें स्टीम नहीं बन जाती ताकि पास्ते में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए जितनी भी हमने सॉस बनाई है चिकन जी टमाटो पेस्ट तो अच्छे से इसमें फ़्लेवर आ जाएगा तो बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता तैयार हुआ है तो ये थी मेरी आज की रेसिपी बनाइएगा ज़रूर अल्लाह हाफिज़